नमस्कार दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है एक बार फिर से जॉब स्ट्रीम में। दोस्तों यहाँ पे आज हम बात करने वाले हैं एससी रीजन की जो है रेलवे रिक्रूटमेंट 2019 की। यहाँ पे बम्पर वैकेंसी फिर से एक बार निकल चुकी है फ्रेंड्स। जो भी कैंडिडेट 10वीं पास होंगे इसमें अप्लाई नॉर्मली कर सकते हैं। आप पोस्ट यहाँ पे देखे हैं कि 41 से 3 पोस्ट है और एप्लीकेशन फ़ी जो है बिल्कुल फ्री है फॉर एससी एसटी और ऑल वुमेंस के लिए। यहाँ पे ऑल इंडिया जॉब्स है फ्रेंड्स। अगर आप इंडिया के किसी भी स्टेट से बिलोंग करते हैं तो आप इस फॉर्म को भर सकते हैं बहुत आसानी से। और सबसे अच्छी बात इस फॉर्म की ये है कि ना ही इसमें कोई एग्ज़ाम होने वाली है और ना ही कोई इसमें इंटरव्यू होने वाली है। तो इसमें होगी क्या, किस बेसिस पे आपकी यहाँ पे सिलेक्शन होगी, सारी बातें हम आगे जाके बात करेंगे इसकी ऑफिशियल साइट पे और नोटिफिकेशन पे। और फ्रेंड्स आप लोग से एक और रिक्वेस्ट है, अगर आप लोग ने अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो जल्दी से कर दें, और साथ में अभी तक आपने इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से वो भी कर लें, क्योंकि इस चैनल पे जो है आपके लिए पर डे की जो भी गवर्नमेंट जॉब निकलती है फ्रेंड्स उसके लिए यहाँ पे आपको सबसे पहले जानकारी दी जाती है इस चैनल के माध्यम से। तो फ्रेंड्स जल्दी से ये काम कर ले और चलिए आगे बढ़ते हैं और जानते हैं एससी रीजन की जो है यहाँ पे रेलवे रिक्रूटमेंट 2019 की ऑनलाइन जो फॉर्म आई है उसके बारे में सारी डिटेल आपको बताएंगे। तो फ्रेंड्स आपको बारी बारी से सारी जानकारी दे दूंगा। और दोस्तों ये भी मैं आपको इस वीडियो में बता दूंगा कि अगर आप अप्रेंटिस के लिए ये जो वैकेंसी आई है रेलवे रिक्रूटमेंट की, इससे रिलेटेड और जो आपको फ़ायदा मिलने वाली है वो सारी बातें हम इस वीडियो में आपको बता दूंगा, ताकि आपको आसानी से ये सारी बातें समझ में आए और इसकी जो है आपके प्रॉफिट या बेनिफिट जो भी इससे होती है वो भी आपको अच्छे से समझ में आ जाए। ठीक है, तो सबसे पहले बात करते हैं कि साउथ सेंट्रल, जैसे मैंने एससी रीजन बोला था, तो ये जो साउथ सेंट्रल रेलवे रिक्रूटमेंट 2019 की है फ्रेंड्स। पोस्ट नेम देख सकते हैं, एक्ट अप्रेंटिस के लिए एसीटी एक्ट अप्रेंटिस फॉर 2019 और 20 के लिए है। ठीक है, 19 से 20 वर्षों वाले के लिए है। यहाँ पे एज नहीं है फ्रेंड्स, ये साल है। ठीक है, ये बैच हम बोल सकते हैं इसको। अब बात करते हैं इंपॉर्टेंट डेट की, जो हमारे लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट रखती है यहाँ पे, कि स्टार्टिंग डेट इसकी जो है 8 नवंबर थी। ठीक है दोस्तों, इसकी स्टार्टिंग डेट 8 नवंबर ही थी, स्टार्ट हो चुकी थी, और इसकी लास्ट डेट जो है फ्रेंड्स वह 8 दिसंबर रखी गई है। तो फ्रेंड्स अभी भी समय है, अगर आप लोगों ने इसे अप्लाई नहीं किया है, अगर आप इसके लिए एलिजिबल है तो जाके अप्लाई कर सकते हैं फ्रेंड्स। मैंने सारे लिंक जितने भी इससे रिलेटेड होते हैं मैंने आपको डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, आप वहाँ पे जाके चेकआउट एक बार ज़रूर करा करिए। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर देख सकते हैं फ्रेंड्स की मेरिट लिस्ट के बारे में बताया गया है। ठीक है, और यहाँ पे जो डीवी आपकी जो हो गई डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन उसके बारे में भी जो बताया गया है कि इसकी जानकारी अभी नहीं दी गई है जो कब होगी। तो जैसे ही इसकी कुछ ही जो नोटिफिकेशन आएगी ऑफिशियल, सबसे पहले हम आपको अपडेट करूँगा उसके लिए। और इसकी जो है वह पेमेंट फ़ी करने के लिए भी आपको जो है 8 दिसंबर का ही समय दिया जाएगा, जो कि आप रात को 11:30 बजे तक कर सकते हो। ठीक, जो इसकी एप्लीकेशन फ़ी है फ्रेंड्स उसके बारे में अब मैं आपको बताऊँ, तो जनरल और ओबीसी कैंडिडेट्स वालों के लिए यहाँ पे मात्र 100 रुपया यहाँ पे जो है वह एग्ज़ामिनेशन फ़ी लगती है। और जैसे कि मैंने बोला था आपको थंबनेल में कि एससी एसटी और पीएच और ऑल कैटेगरी वुमेंस के लिए यहाँ पे जो है वह 1 रुपया भी यहाँ पे जो है फ़ी नहीं रखा गया, ये बिल्कुल ही फ्री है। अगर आप मेल या फीमेल हो तब भी आप जो है यहाँ पे कर सकते हो अप्लाई। ठीक है, और अगर आप पेमेंट करना चाहते हो इसकी एप्लीकेशन फ़ी, तो आप जो है डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड या नेट बैंकिंग या SBI UPI इससे रिलेटेड कुछ भी आपको जो है यहाँ पे कर देनी है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे बात करते हैं कि जॉब लोकेशन की, तो जॉब लोकेशन जो आपको होगी वो साउथ सेंट्रल रेलवे जोन में आपको कहीं भी दे सकता है इसकी जो है जॉब। ठीक है, उसके बाद एज जो आपकी होती है वो बहुत इंपॉर्टेंट रखती है आप लोगों के लिए, तो एज की कैलकुलेशन जो है गणना आपकी की जाएगी 8 दिसंबर से, जब इसकी लास्ट डेट होगी इस फॉर्म की। ठीक है, तो 8 दिसंबर 2019 से इसकी लास्ट डेट की जाएगी। तो फ्रेंड्स बहुत ही इम्पोर्टेंट है कि आपकी जो है कम से कम एज यहाँ पे 15 वर्ष होनी चाहिए, और ज़्यादा से ज़्यादा यानी कि मैक्सिमम एज आपकी जो है वो 24 वर्ष होनी चाहिए, जो जनरल कैटेगरी के लिए उनके लिए है या फ्रेंड्स। अब दोस्तों जान लेते हैं हम लोग कि एज रिलैक्सेशन में जो यहाँ पे छूट किस किस को मिलती है। अगर आप जो है एज रिलैक्सेशन में छूट चाहती है, अगर एज रिलैक्सेशन आपको अगर चाहिए, तो OBC SC R और ST और PWD के लिए यहाँ पे जो है वह छूट दी गई है। ठीक है, तो सबसे पहले बताऊँ OBC के लिए यहाँ पे जो है 3 वर्षों की छूट है, और SC SR के लिए जो है 5 वर्षों की, और ST के लिए भी 5 वर्षों की है दोस्तों, और PWD के लिए यहाँ पे जो है 10 वर्षों की छूट दी गई है। ठीक है, तो ये सारे कैटेगरी पे अप्लाई होता है। ठीक है, अब बस आप जो है यहाँ पे जनरल को छोड़ के, क्योंकि जनरल के लिए यहाँ पे 15 से जो है
24 वर्ष ही दिया गया है। तो अगर आप इसके लिए अगर एलिजिबल है तो प्लीज़ जाके इस फॉर्म को ज़रूर भरें। और बता दो फ्रेंड्स कि इसकी जो है नंबर ऑफ पोस्ट, तो नंबर ऑफ पोस्ट देख सकते हैं कि 4103 पोस्टों पे ये वैकेंसी है फ्रेंड्स। इतनी ज़्यादा जो है पोस्ट बहुत कम आती है, खासकर अप्रेंटिस के जो है वह वैकेंसी में, क्योंकि 200 300 और 500 तक आती है नॉर्मली, लेकिन इससे ज़्यादा जो आपको यहाँ पे देखने को नहीं मिलती है, तो इसलिए जाकर ज़रूर भरा करें फ्रेंड्स। अब फ्रेंड्स ये जो है आपको बता दूँ कि ये जो ट्रेड डिवीजन वाइज जो यहाँ पे दिया गया है, तो ये जो है ट्रेड डिस्ट्रीब्यूशन है, आपको अलग अलग ट्रेड में जो है अलग अलग पोस्ट यहाँ पे जो है रखी गई है, तो देख सकते हैं आप, तो इस हिसाब से रखी गई जिसमें भी आपको भरना होगा आप देख के भर सकते हो। मैं इसका लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में दे रखा हूँ, इसकी ऑफिशियल नोटिफिकेशन का भी, ठीक है। और सबसे इम्पोर्टेंट बात यहाँ पर आपको बता दूँ कि यहाँ पर आपकी जो है ट्रेडिंग पीरियड जो है वह 1 वर्षों की होगी। अगर आप किसी भी अप्रेंटिस वाले वैकेंसी को भरते हो तो आपकी जो है 1 साल की वह ट्रेनिंग होती है, ठीक है, तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रखती है यहाँ पे। अब बात कर लेते हैं आपकी एजुकेशन क्वालिफिकेशन की, कि सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट ये चीज़ होती है कि आपकी क्वालिफिकेशन क्या होनी चाहिए, तो आप इस फॉर्म को भर सकते हैं। तो सबसे पहले बता दूं फ्रेंड्स, अगर आप जो है 10वीं क्लास पास है, अगर आप इंटरमीडिएट है, तो आप इस फॉर्म को भर सकते हैं। और साथ में आपकी जो है यहाँ पर ITI की जो है यहाँ पे क्वालिफाई कर रखे हो, ठीक है, तो देख सकते हैं यहाँ पे जो ITI यहाँ पे जो है मांगी गई है, 10वीं प्लस ITI अगर आप कर रखे हैं तो आप आसानी से इस फॉर्म को भर सकते हैं। तो जो भी कैंडिडेट्स यहाँ पे 10वीं और IIT कर रखे हैं तो वो भरे, अगर वो नहीं किए हुए हैं तो प्लीज़ इस वीडियो को उन स्टूडेंटों तक पहुँचाएँ जो ITI और प्लस 10th पास कर चुके हैं या उससे ज़्यादा भी क्वालिफिकेशन अगर रखते हैं, तो ठीक है दोस्तों। तो प्लीज़ आप जितना हो सके इस वीडियो को शेयर करें ताकि और स्टूडेंट इससे जो है लाभ उठा सके, ठीक है। अब बात करते इसे अप्लाई कैसे करना है, तो फ्रेंड्स आपको 8 दिसंबर से पहले अप्लाई करना है। मैं इसका ऑनलाइन लिंक जो है जिससे आप अप्लाई कर सकते हैं उसका लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन में दे रखा हूँ, आप जाके एक बार चेक जरूर करें, ठीक है। अब बात करते हैं यहाँ पे आपको लगेगी क्या क्या, यहाँ पे देख सकते हैं फोटो सिग्नेचर एज प्रूफ और जो टेक्निकल क्वालिफिकेशन है जो ITI की सर्टिफिकेट है वो लगेगी, कास्ट सर्टिफिकेट, मार्कशीट और पासिंग सर्टिफिकेट, उसके बाद NTC सर्टिफिकेट लगेगी, जो ITI सर्टिफिकेट है वो लगेगी। अगर आप एक्स सर्विस मैन है तो उसकी भी आप सर्टिफिकेट लगा सकते हो अगर आपको उसमें छूट चाहिए तो, ठीक है। तो ये सारी आपको जो है सारी कुछ यहाँ पे देनी होगी। उसके बाद बात करते हैं कि मोड ऑफ सिलेक्शन, किस तरह से आपकी यहाँ पे सिलेक्शन होगी, तो सिलेक्शन विल बी बेस्ड ऑन मेरिट लिस्ट, जो आपकी 10th क्लास जो पास किए होंगे उससे आपकी जो मार्कशीट में जितनी अगर जितनी भी आपकी जो है वहाँ पे नंबर देखी जाएगी, और प्लस जो अगर ITI कर रखे हैं तो ITI सर्टिफिकेट में भी आपकी नंबर देखी जाएगी, इस हिसाब पे आपकी यहाँ पे जो है वह मेरिट लिस्ट में नाम आएगी, ठीक है। अगर फ्रेंड्स आप इस फॉर्म को अगर भरते हो तो आपको यहाँ पे बहुत ही इम्पोर्टेंट ये चीज़ मिलेगी, क्योंकि आप जो है 1 साल तक जो इसकी वह ट्रेनिंग कंप्लीट कर लोगे, अगर आप कभी भविष्य में अगर रेलवे की तरफ से कोई भी अगर जॉब निकलती है तो उसमें आप अगर भरते हो तो आपको बहुत ज़्यादा वहाँ पे रिलैक्सेशन मिलती है, बहुत ज़्यादा वहाँ पे छूट मिल सकती है, ठीक है दोस्तों। तो इसलिए आप ज़रूर इसमें भरें, और 1 साल की बात है, अगर आप जो कंप्लीट कर लेते हो तो उसके बाद आपकी सैलरी भी बढ़ जाएगी, और उसका इतना ज़्यादा वैल्यू होता है कि आप अगर किसी भी प्राइवेट सेक्टर में भी जाएँ तो आपको वहाँ पर अच्छी खासी वहाँ पर तनख्वाह आपको मिल सकती है। तो फ्रेंड्स ये कुछ थी जो अप्रेंटिस के लिए थी जानकारी मैंने आपको दी, तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं फिर अगली वीडियो में।